क्वेश्चन नंबर वन में डाउट, क्वेश्चन नंबर टू में डाउट, थ्री यस, थ्री में पैरेलल वायर्स हैं, ठीक है, 20 सेंटीमीटर टोटल डिस्टेंस, तो आधा आधा 10 और 10 है। ए वायर 10 एम्पियर करंट कैरी कर रही है और बी वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 20 एम्पियर, ये रहा, एंड डिस्टेंस ऑफ 20। थर्ड वायर सी, लंबाई इसकी 15 सेंटीमीटर गिवन है, ये लंबाई 15 सेंटीमीटर गिवन है, तो करंट इसका 10 एम्पियर करंट गिवन है, तो प्लेस बिटवीन देम का मतलब ये आधा आधा डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर गिवन है, तो आपको सी पे फोर्स बतानी है। सबसे पहले ये दो करंट कैरिंग वायर्स हैं, दोनों करंट कैरी इन सेम डायरेक्शन, तो अट्रैक्शन होगी, तो ए सी को क्या करेगा, अट्रैक्ट, तो फोर्स, ये लंबाई कितनी है सी की, 15 सेंटीमीटर, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो 15 सेंटीमीटर पे जो फोर्स होगी वो क्या होगी, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 इंटू 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लें, तो ये आपके पास फोर्स आ जाएगी F1, ये F1 आ गया टूवर्ड्स लेफ्ट। फिर ऐसे ही आप इसमें क्या करेंगे, ये और ये भी करंट सेम डायरेक्शन में, तो 20 एम्पियर 10 एम्पियर को अट्रैक्ट करेगा, तो F2 फोर्स अगेन 15 सेंटीमीटर पे लगेगी, 15 सेंटीमीटर पे लगेगी, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 इंटू 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10 की पावर माइनस 2, तो यहां से सॉल्व करके क्या आ जाएगा, F2 की वैल्यू, एक F2 एक F1, बड़े में से छोटे वैल्यू को क्या कर देना है, माइनस आंसर आएगा। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक। क्वेश्चन नंबर 4, यस सर, फोर्थ में ए बी सी डी रेक्टेंगुलर लूप है, ए डी और बी सी की वैल्यू 1 है, तो ए डी और बी सी 1 सेंटीमीटर गिवन है, साइड्स ए बी एंड डी सी आर मच लॉन्गर देन ए डी, तो ये काफी लंबी वायर्स हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है ऑन वायर डी सी, इसके ऊपर निकालनी है डी सी के ऊपर, ड्यू टू वायर ए बी की वजह से, एम मीटर 10 एम्पियर है, 10 एम्पियर है, बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये 5 एम्पियर है, ये 5 एम्पियर है, इनमें फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालनी है, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2 इंटू आई इंटू आई डिवाइडेड बाय, इनके बीच में डिस्टेंस कितने है, ये रहा आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट, लास्ट टाइम किया था ऐसा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट, सेम ही है 5 और 6, ठीक है।